हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत फ्लफी एंड यम्मी बन जाती है। साथ ही इसके लिए मैं चॉकलेट सॉस भी बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप + 1/4 कप ऑल पर्पज फ्लोर का यूज़ करेंगे, 1 फुल कप एंड 1/4 कप और ऑल पर्पज फ्लोर, 1/4 कप कोको पाउडर का यूज करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून फाइन शुगर या पाउडर शुगर का आप लोग यूज करना एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसमें 1 लार्ज एग डालेंगे, 3 टेबल स्पून कनोला ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें 1 कप + 1/4 कप मिल्क जाएगा, होल मिल्क। वन टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग देखते हो कि ये पैनकेक बेहतर इस तरह थिक हो चुका है, तो आप लोग इसमें और मिल्क ऐड करें। अगर आप लोग देखते हो कि ये ज्यादा रनी है, तो आप लोग उसमें फ्लोर ऐड करें। इस तरह इसका बेहतर होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं। इसमें 1/4 कप चॉकलेट चिप्स का यूज कर रही हूँ। ये मिल्क है, आप लोग डार्क चॉकलेट चिप्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें 1/2 कप तक का यूज कर सकते हो चॉकलेट चिप्स। अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसे ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ या कुकिंग स्प्रे के साथ। इस बैटर का 1/4 कप लेंगे, इसे लो फ्लेम में पकाएंगे। जब ये पक जाएगा, ये खुद ही अपनी साइज छोड़ेगा। उसके बाद इसे फ्लिप करेंगे एंड इसका अगला साइड पकाएंगे। अब ये पक चुका है, इसे मैं निकाल रही हूँ। जब आप इसे पकाएंगे सेकेंड बैच के लिए, फिर से आप लोग ऑयल ब्रश करना है इसमें। इसके लिए मैं चॉकलेट सॉस बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, तो 1 कप तक का यूज़ करना। इसमें 3 ounce 85 grams डार्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, तो इसे डबल भी कर सकते हो। चॉकलेट सॉस हमारा रेडी है। जब आप लोग इसे पकाएंगे, तो आप लोग इसे लो फ्लेम में पकाएं एंड बॉइलिंग पॉइंट पर ही ना आए, वरना चॉकलेट जल जाएगा।